नेक्स्ट नाइन लाइफ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस खास प्रोग्राम। महाराष्ट्र में लगातार सियासत गर्माती हुई दिखाई दे रही है, जहां शिवसेना सांसद संजय राउत इस वक्त ईडी की कस्टडी में है, तो वहीं यहां पर शिंदे और बीजेपी के बीच ये सबसे बड़ी चुनौती है कि आखिरकार नए कैबिनेट का विस्तार किस तरह से किया जाए, किस तरह से बागी विधायकों और बीजेपी के विधायकों को नए मंत्रिमंडल में जगह दी जाए। लेकिन इन सबके बीच एक ऐसा मुद्दा जिसे यहाँ पर महाराष्ट्र में ना तो शिंदे की पार्टी सुलझा पा रही है और ना ही उद्धव ठाकरे, और आखिरकार अब दोनों ही गुट पहुंच गए हैं सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर। आपको बता दें कि शिवसेना के चिन्ह को लेकर और साथ ही शिवसेना पार्टी के 53 विधायकों की योग्यता का फैसला अब सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर आ पहुंचा है। मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई लगातार चल रही है। शिंदे गुट की ओर से उनके वकील हरीश सालवे, तो वहीं उद्धव गुट की ओर से उनके वकील कपिल सिब्बल, दोनों यहां पर अगुवाई करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इस बीच सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद किसकी होगी शिवसेना। आज के इस प्रोग्राम में इसी पर चर्चा करेंगे, इस मुद्दे पर कि आखिरकार क्या कुछ ऐसा हुआ कि अब शिंदे और उद्धव ठाकरे सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर पहुंच गए हैं शिवसेना की लड़ाई को लेकर। चर्चा के लिए मेरे साथ मौजूद है साक्षी। साक्षी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। साक्षी, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में शिवसेना पार्टी को लेकर यहाँ पर दो गुट भिड़ते हुए दिख रहे हैं, एक ओर है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, तो वहीं दूसरी ओर है उद्धव ठाकरे जी। सबसे पहला सवाल तो यही बन रहा है कि साक्षी, आखिरकार क्यों यहाँ पर शिंदे और उद्धव ठाकरे सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे तक जा पहुंचे, क्योंकि यहाँ पर जो अगर शिवसेना की बात करें तो ये मुद्दा चुनाव आयोग से जुड़ा हुआ है। जब भी किसी पार्टी से बड़ा जुड़ा मुद्दा होता है तो उस पर फैसला चुनाव आयोग यहाँ पर देता है, लेकिन आखिरकार क्या कुछ वजह है कि उद्धव ठाकरे शिवसेना की लड़ाई को सुप्रीम कोर्ट लेकर चले गए हैं? क्या उन्हें यहाँ पर चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं है कि वो सही फैसला देंगे? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से उद्धव ठाकरे ने ये केस इतना ज्यादा खींचा और इतनी जल्दी सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे, तो ये वाली बात बिल्कुल ठीक है कि इस वक्त उद्धव ठाकरे के हाथ में जो है थोड़ी सी कमान कम हो गई है। जिस तरह से एकनाथ शिंदे ने अपनी सरकार बनाई और उनके विधायकों को अपनी तरफ ले गए, तो उद्धव ठाकरे को पता है कि एकनाथ शिंदे के पास इस वक्त ऐसी पावर है कि वो उनके विधायक को जब ले जा सकते हैं तो आगे शायद चुनाव का मौका जब रहेगा तो भी जो ये बाजी हो वो एकनाथ शिंदे की तरफ पलटे और उनकी तरफ ना पलटे। तो ये डर उद्धव ठाकरे को जो है वो बना हुआ है और इसी डर की वजह से उद्धव ठाकरे ने इस तरह का कदम उठाया। जो बिल्कुल साफ तौर पर कहीं ना कहीं दिख रहा है कि जिस तरह से जो बगावत यहाँ पर शिवसेना में देखने को मिली, उसके बाद अब उद्धव ठाकरे को ना तो चुनाव आयोग पर भरोसा है और ना ही उन्हें भरोसा है महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी पर। साक्षी, अगला सवाल भगत सिंह कोश्यारी से जुड़ा हुआ ही होगा। आपको बता दें कि जो यहाँ पर महाराष्ट्र में नई सरकार बनी है शिंदे और बीजेपी के गठबंधन से, इस पर जो मोहर सबसे आखिरी लगाई है वो लगाई है भगत सिंह कोश्यारी ने। महाराष्ट्र के राज्यपाल होने के तौर पर उन्होंने ही शिंदे को महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री की शपथ भी दिलाई। उद्धव ठाकरे ने जो याचिका दर्ज की है वो की है शिवसेना के चुनाव चिन्ह को लेकर, और साथ ही उन्होंने राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के उस फैसले पर भी रोक लगाने की मांग की है कि जब यहाँ पर विधायकों ने बागी बनकर शिंदे गुट में शामिल हुए तो आखिरकार राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी उस फैसले में अपनी हामी कैसे दे सकते हैं, क्योंकि ये फैसला चुनाव आयोग करता है कि जो बागी विधायक यहाँ पर शिंदे गुट में शामिल हुए हैं वो सही प्रक्रिया से हुए हैं या नहीं। तो आखिरकार यहाँ पर क्या भगत सिंह कोश्यारी पर भी सुप्रीम कोर्ट की गाज गिर सकती है, क्योंकि जिस तरह से हमने हाल ही में भी देखा कि उन्होंने एक बयान दिया यहाँ पर मराठियों को, राजस्थानियों को और गुजरातियों को लेकर, तो क्या यहाँ पर अब उन पर भी गाज गिर सकती है? देखिए, बीच में कुछ ऐसा हुआ था जहाँ पर मैं बात करूंगी, अगर राज्यपाल की जिस तरह से उन्होंने बयान दिया था अपना, वो उन्हें भी पता है कि उन पर उल्टा किस तरह से पड़ा। महाराष्ट्र के हर मंत्री ने, हर पूर्व मंत्री ने, हर किसी ने जो है उन पर बयान दिए, बड़े बड़े बयान बोले, जिसमें संजय राउत भी शामिल थे, जिसमें एकनाथ शिंदे खुद भी शामिल थे, और हर किसी ने उन पर बोला क्योंकि वो इस तरह की बात कह गए थे जो कि
किसी की भावनाओं को ठेस भी पहुंचाती है। तो वो चीज पहले से वो देख रहे थे, लेकिन उसी बीच जहां ऐसी चीजें आती हैं, जिस तरह आप इस तरह का जो है बात बोल देते हैं, इस तरह से जिस चीज को हामी भर देते हैं वो गलत है, कहीं ना कहीं वो ठीक भी नहीं है, और हर कोई इस तरह से जो है उसको अनुमति भी नहीं देता। जिस तरह से एकनाथ शिंदे की अगर हम बगावती विधायकों की बात करें कि वो वहां पहुंचे, तो आपको बता दूं कि उन विधायकों से खुद भी जानने की कोशिश की गई थी, उनसे खुद भी जाना गया था, जहां पर उन्होंने खुद भी ये बात बोली थी कि उनकी खुद की मर्जी थी जिस तरह से उन्होंने बगावत किया, वो एकनाथ शिंदे के साथ पहुंचे। तो उस पर उनका जो भी निर्णय था वो कहीं ना कहीं ठीक भी था, क्योंकि वो मर्जी उन विधायकों की खुद की थी। और यहाँ पर अगर कुछ भी ऐसी चीजें निकलती हैं सुप्रीम कोर्ट में जो कि ठीक नहीं लगी, तो हाँ शायद राज्यपाल पर उस चीज को उनको भुगतना उस पे जो है जी भुगतना पड़ सकता है, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला उनके खिलाफ अगर जाता है। साक्षी, यहाँ पर एक आखिरी सवाल ये भी बनता है कि देखिए जिस तरह से यहाँ पर जो बाकी विधायक शामिल हुए हैं, उद्धव ठाकरे लगातार कोशिश कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले ही उन बाकी विधायकों को शिवसेना में फिर से वापस ले लिया जाए, लेकिन इसी बीच शिंदे के जो वकील हैं हरीश सालवे, उन्होंने सुनवाई के दौरान ये कहा है कि बाकी विधायक खुद को आज भी शिवसैनिक मानते हैं, वो सिर्फ यहाँ पर शिवसेना की लीडरशिप में बदलाव चाहते हैं। यानी कि साफ तौर पर दिख रहा है कि जो बागी विधायक हैं वो नहीं चाहते कि शिवसेना की कमान उद्धव ठाकरे के हाथ में रहे। तो सवाल ये बन रहा है साक्षी कि अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उद्धव ठाकरे के हाथ से शिवसेना की कमान शिंदे को सौंप दी जाती है, तो क्या इसका असर साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव पर भी पड़ता हुआ दिखाई देगा? जी पड़ सकता है, बिल्कुल पड़ सकता है। और एकनाथ शिंदे अगर अगर उनके हाथ में इस तरह से जो है उन्हें मौका मिल सके या फिर उनके हाथ में वो कमान आ सके, तो 2024 पर बहुत बड़ा फर्क तो पड़ेगा ही। लेकिन इसी के साथ ये सवाल तो उठता ही है कि जिस तरह से विधायकों की जो अगर हम मांग देखें, बगावत करने की मांग क्या थी या फिर अब वो क्या चाहते हैं, तो वो यही है कि उन्हें उद्धव ठाकरे वहां पर मंजूर नहीं, उन्हें उद्धव ठाकरे की लीडरशिप मंजूर नहीं है, क्योंकि कई ऐसी चीजें थी जिसकी नाराजगी की वजह से वो बगावत करने तक पहुंचे। और इसी के बाद अगर एकनाथ शिंदे को वो मौका मिलता है तो एकनाथ शिंदे की उसमें बड़ी जीत हो सकती है, लेकिन उद्धव ठाकरे इसी वजह से एक बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं। आपको मैं बताती हूँ, सुप्रीम कोर्ट के लिए जो उनकी एक बड़ी लड़ाई है वो इस वजह से भी है कि वो चाहते हैं कि उनके बगावती जो विधायक है वो उनकी पार्टी में वापस आ जाए। लेकिन आपको मैं बताती हूँ कि देखिए उद्धव ठाकरे खुद भी चाहते हैं कि उनकी फिर से सरकार जो है वो खड़ी हो, और साथ ही चाहते हैं कि एकनाथ शिंदे का शिवसेना से कोई ताल्लुक ना रहे। हालांकि एकनाथ शिंदे अभी भी अपने आप को शिवसैनिक कहते हैं, वो नहीं चाहते कि वो शिवसेना से कोई ताल्लुक रखें। और इसी के साथ उद्धव ठाकरे जो है खुद चाहते हैं कि यहाँ पर मेरी जो लीडरशिप है वो बनी रहे, हालांकि वो विधायक नहीं लौटेंगे जब तक वो लीड वहां पर करेंगे। बिल्कुल साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का फैसला अभी भी सुरक्षित है, सुनवाई यहां पर चल रही है उन 53 विधायकों की योग्यता को लेकर और साथ ही शिवसेना के चिन्ह को लेकर, सवाल ये उठ रहा है कि अगर यहां पर फैसला शिंदे के पक्ष में आता है तो क्या उद्धव ठाकरे जो पहले ही महाराष्ट्र से सत्ता खो चुके हैं, विधायक पार्षद और सांसद खो चुके हैं, तो शिवसेना को खोने के बाद क्या वो राजनीति में बने रहेंगे या राजनीति से वो विराम ले लेंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। ऐसी ही तमाम अपडेट्स जुड़े रहने के लिए देखते रहिए नेक्स्ट टाइम लाइव। नमस्कार।